सूबे अंदर पिछलियां सरकारां समें करोड़ां रुपए का गबन होया, एक खुलासा पंजाब विधानसभा दे विच एक रिपोर्ट के जरिए किया गया। आम आदमी पार्टी के विधायक प्रिंसीपल बुधराम की अगवाई बनी एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट विधानसभा दी। पंजाब एग्रो फूड ग्रेन्स कारपोरेशन करोड़ों रुपए का गबन होया। दसया जा रहा है कि 2014-15 तो लैके साल 2017-18 तक करीब 607 करोड़ रुपए का गबन होया। इस कमेटी ने, जिस कमेटी के चेयरमैन प्रिंसीपल बुधराम ने, उन्होंने हाउस के सिफारिश की है कि इस मसले की निरपक्ष जांच करवाई जाए तो पंजाब विजिलेंस में यह जांच सौंपी जाए कि एडा वड्डा गबन 607 करोड़ रुपए का, तो जिहड़े कसूरवार अफसर ने उन्हां खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सरकारी कारोबार कमेटी ने साल 22-23 दौरान पंजाब एग्रो फूड ग्रेन्स कारपोरेशन लिमिटेड ने पंजाब राज वेयरहाउसिंग कारपोरेशन नाल संबंधित खराब कणक के निपटारे उत्ते आर्ट विभाग के 2017-18 के आर्ट पैरियां की घोख की। यह कमेटी ने अपनी सितंबर, अक्तूबर, दिसंबर के मीटिंगों में डिस्कस किया। कमेटी ने वेख्या जिहड़े चले गए हैं सर, तुसीं इन्हां बारे चंगी तरह ध्यान नाल सुनना है। 2014-15 to 2017-18 तक समय दौरान कारपोरेशन ने खराब कणक के निपटारे दौरान 607.57 करोड़ रुपए का नुकसान किया जी। पंजाब का यह कहें भी यही कर दिता है, पंजाब का किन्ना नुकसान है 607 करोड़ का, जो कि स्टोरेज के प्रबंध की कमी करके, अनुचित स्टोरेज करके, स्टॉक की प्रॉपर तरीके सांभ संभाल ना करन करके, तो नवी कणक नूं पुरानी कीड़े लगी कणक नाल स्टॉक करते यह नुकसान होया। सैकंड सर, कमेटी ने यह भी देखा कि खराब कणक के निपटारे में देरी करन करके स्टोरेज का किराया भी देना पिया, इस करके 8.77 करोड़ रुपए का फालतू खर्चा स्टोरेज सुरक्षा करके करना पिया। कमेटी ने यह भी देखा कि कणक की अपग्रेडेशन की देरी करके 1.04 करोड़ रुपए की अपग्रेडेशन का खर्चा, 4.15 करोड़ रुपए की कैरी ओवर चार्जिज FCI तो वसूले ना जा सके, जिस करके 5.19 करोड़ रुपए का नुकसान भी होया। लास्ट पैरा जी, उपरोक्त पैरें चर्चा करते हुए कमेटी ने देखा कि ये कारपोरेशन के स्टाफ की लापरवाही करके टोटल 621 करोड़ 33 लाख रुपए का नुकसान पंजाब सरकार ने जी इन्होंने किया, जिहड़े हुण चले गए। तो ना आप कहें भी ये की करते हैं, इन्हां हुंदे जिहड़ा नुकसान होया पंजाब का हैरानीजनक है जी। इन्हां कारपोरेशन ने इस नुकसान की जिम्मेवारी हेठले पद्धर के कर्मचारियों की फिक्स कर दिती। कोई स्टाफ, कोई तो कि मैनेजर है जी, कोई डिस्कस मतलब उत्थों का असिस्टेंट है, कोई स्टोरकीपर है, जिहड़े क्लास 3 मुलाजम से। और हैरानी हुई जी पढ़ के उसके भी 24 करोड़ रुपया एक हेठले कर्मचारी पाया गया, किसी 8 करोड़ रुपया पाया गया, भला उस उपरले कर्मचारियों की मिली भुगत तो बिना ये की जरूरत है भी पा ले। और 24 करोड़ सारी उम्र भरदा भरदा मर जूगा जी, वो भर ही नहीं सकता किसी हालत में। तो इन कारपोरेशन ने निर्देश दिए कि कसूरवार अधिकारियों कर्मचारियों की जिम्मेवारी फिक्स की जाए, ये नुकसान की उन्हां तो बनती रिकवरी जल्द जल्द की जाए। कमेटी मुख सकत्र पंजाब सरकार को सिफारिश करती है कि इस मामले निरपक्ष जांच विजिलेंस तो करवाई जाए, दोषी पाए गए अधिकारियों कर्मचारियों के नुकसान की वसूली की जाए जी। धन्यवाद सर। थैंक यू।